हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने कैलीग्राफी में इंग्लिश कैलीग्राफी मतलब 3D लेटर्स इंग्लिश के कैसे लिखना है लाइन में आपको ड्रॉ करना मैंने सिखाया था, और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मराठी कैलीग्राफी विद ब्रश। ब्रश एंड इंक ले सकते हैं आप, या तो ब्रश के साथ आप पोस्टर कलर भी ले सकते हैं। कैलीग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी, इसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, उतना ज्यादा आपका हैंड राइटिंग अच्छा आएगा या आपकी कैलीग्राफी अच्छी आएगी। ये आपके बहुत काम की चीज है, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट लिखने होते हैं, बहुत सारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में आपको बहुत सारे चार्ट्स लिखने होते हैं, इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं मराठी कैलीग्राफी विद ब्रश एंड पेन। मराठी कैलीग्राफी में इस तरह का स्ट्रोक आपका आना चाहिए, मतलब ब्रश को आपको इस तरह से पकड़ना है, तो इस एंगल में पकड़ के, मतलब इस तरह से पकड़ के हमें वर्टिकल लाइन इस तरह से खींचनी है। तो ब्रश के साथ अगर आप ये करते हो, तो आपको ब्रश को बहुत ही स्टैंडिंग पोजीशन में पकड़ना है इस तरह से, यहाँ पे मैंने ब्रश चेंज किया है क्योंकि ये बहुत ही छोटा था तो आपको स्ट्रोक समझ में नहीं आएंगे, इसलिए तो अभी आपको स्ट्रोक समझ में आएगा ये कैसे स्लैंटिंग लाइन है। इस तरह का आपका ब्रश का एंगल पकड़ना है आपको, और फिर इस तरह से आपको वर्टिकल लाइन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। इस तरह का लाइन का प्रैक्टिस करना है, फिर स्लिपिंग लाइन, देखिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको ब्रश पे प्रेशर कितना डालना है, ब्रश के हेयर जो है वो ट्विस्ट होने चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब आपको समझ लेना है। जब आप करोगे तो आपका ये जो स्ट्रोक है, ये इस तरह का एंगल, ये इस तरह का आपका आना चाहिए। तो ये जो इस तरह का दिख रहा है, यहाँ पे आप बाद में ब्रश के साथ इस तरह से फिनिशिंग करके ले सकते हैं, जब लेटर्स के ऊपर का लाइन आता है तो इस तरह से उसका फिनिशिंग किया जाता है। तो इस तरह के स्लिपिंग लाइन का आपको प्रैक्टिस करना है। फिर मैंने, आप देख रहे हैं मैंने एंगल बिल्कुल चेंज नहीं किया है, इसके बाद हम लोग सी ड्रॉ करेंगे, तो इसलिए सी आपको इस तरह से, देखो यहाँ पे थिन आया, यहाँ पे हमें ब्रेक लेना है और फिर इसी के परफेक्ट नीचे से पकड़ के इसके साथ इसको ज्वाइन करना है। तो इस तरह से आपको सी की प्रैक्टिस करनी है, हर बार आपको ब्रेक लेके ही करना है। अगर आप इस तरह से डायरेक्टली करोगे तो भी आएगा, लेकिन फिर ब्रश हेयर जो है ना वो ट्विस्ट हो जाएंगे अगर, तो यहाँ पे आपका कर्व बिगड़ भी सकता है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, या तो इस तरह से ब्रेक लेके ये थिन लाइन आने के बाद इसको यहां से जाके इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करते वक्त देखो अभी ये स्ट्रोक मेरा खराब हो गया इस तरह से, और फिर ये इसको जाके आपका मिलना चाहिए परफेक्ट। तो इस तरह से आपको सी की प्रैक्टिस करनी है, फिर यही फॉर्म उल्टा करके फ्लिप करेंगे हम लोग। ब्रश को मैंने वैसे ही पकड़ के रखा है, देखिए ये कर्व जो है ना ये आपको समझ लेना है, ये जो लाइन है ये आपको समझ लेनी है पहले।
इस तरह से। फिर इसके बाद आप जीरो की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से, ये सी, और फिर इसी को, इसी लाइन के स्ट्रोक को पकड़ के इसको इस तरह से जीरो के शेप में ले सकते हैं। परफेक्ट नहीं आ रहा है, एक मिनट। इस तरह से ब्रश को ज्यादा प्रेशर देंगे तो इस तरह से स्ट्रोक निकलेगा, ब्रश को ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। ओके, और फिर इसके बाद आप उसी एंगल को ब्रश को पकड़ के इस तरह से जिगजैग लाइन भी बना के देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये ब्रश इस तरह से पकड़ने से ये लाइन, ये सारे स्ट्रोक जो है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वो थिन है, और जो राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं वो वाले ब्रॉड है। तो इस तरह से आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से वर्टिकल जिगजैग लाइन, इसके इसके प्रैक्टिस से आपके हैंड में थोड़ा सा स्मूथनेस आएगा, आपके लाइन में भी थोड़ा सा स्मूथनेस आएगा। तो इसका भी प्रैक्टिस आपको करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका लेटरिंग अच्छा आने वाला है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा पेपर खराब करने के बाद आप लेटरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बारह खड़ी करके देखेंगे। तो ओ के लिए हम लोग इसी तरह से ब्रश को पकड़ेंगे, इस तरह से अगर होता है तो आप इसको उल्टा घुमा के भी इसका स्ट्रोक प्लेन कर सकते हैं इस तरह के। और ड्रॉ करने के बाद आ तो आप कर सकते हैं, तो इसलिए मैं ये दिखाती हूँ आपको। इस तरह से बड़ी ई छोटी ही आप स्ट्रोक उसका उसी एंगल को पकड़ के आप इस तरह का स्ट्रोक लेटर के ऊपर बड़ी ई के लिए। ये मात्रा दे सकते हैं। एक ही स्ट्रोक के लिए इस तरह से आपको वर्टिकल लाइन, दोनों वर्टिकल लाइन, और फिर यहां से आप इस तरह से तो भी बारह खड़ी स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमें बहुत ही ध्यान लगाकर उनके स्ट्रोक की तरफ ध्यान देना पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है, ये आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपका हैंड राइटिंग, रेगुलर जो हैंड राइटिंग है उसमें भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा।
जो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। यूज कर करके ब्रश का स्ट्रोक जो है थोड़ा थिन हो गया था, तो मैंने इसको फिर से ऐसे जब कलर लेते हैं ना, तो इस तरह से उसको प्रेस करके पॉइंट कर लेना है ब्रश को इस तरह से, तब आप काम कर सकते हो अच्छे से। डो तो यहाँ पे हो गया हमारा, तो ड हो गया, ढ करते हैं डायरेक्ट। आप देख रहे हैं सब लेटर्स कर रही हूँ मैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी ब्रश का एंगल चेंज नहीं किया है। जो स्टार्टिंग से इस तरह से पकड़ा हुआ था वही एंगल मैं अभी तक कर रही हूँ। देख रहे हैं कितनी ध्यान पूर्वक हमें ये स्ट्रोक की तरफ ध्यान देना पड़ रहा है, ब्रश को चेंज नहीं करना है, बार बार बोल रही हूँ मैं। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करो, आपको ज़रूर पॉसिबल होगा। और पहले पहले ख़राब होने के बाद आपका मतलब मूड ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह का लेटरिंग सीखना है तो आपको पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
देखिए सी का जो प्रैक्टिस किया था या जीरो का जो प्रैक्टिस किया था वो यहाँ पे ब और व ड्रॉ करने के लिए आपको काम आएगा। हमारा ब्रश इस तरह से है पकड़ा हुआ, ये एंगल है तो इसलिए उसी स्ट्रोक से लाइन जब हम लोगों ने बाकी खींची है तो वो थिन आ गई है। मॉब भी सेम ही आएगा इस तरह से, इस तरह से आप एक वर्टिकल और एक स्लिपिंग लाइन करके फिर उसी स्ट्रोक को इस तरह से जोड़ सकते हैं। अब इस तरह से जब थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है लाइन, आप इस तरह से मैच करके ले सकते हैं। यह तो हमारा यहाँ पे थ जैसे है वैसे आएगा, फिर भी बता रही हूँ मैं। चलो स्टूडेंट, ये जो मराठी कैलीग्राफी है इसको देवनागरी लिपि बोलते हैं। बहुत सारे ग्रंथ पुराण लिखे हुए हैं वो सारे इसी देवनागरी में लिखे हुए हैं। और श के लिए हम लोग एक स्टैंडिंग लाइन और फिर र, लेकिन र इस तरह का है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग अ के जैसे अ का जो पहला वाला स्ट्रोक है उसको लेके उसको र के जैसे नीचे का पार्ट किया है हमने, तो ये बन गया हमारा श। दूसरा वाला श है उसके लिए हम लोग प ड्रॉ करके फिर क्रॉस लाइंडिंग लाइन। सो हमारा स्ट्रोक आएगा और फिर वर्टिकल लाइन आएगी आपकी, तो इस तरह से स बनेगा आपका। ख के लिए देखो मैंने दो बार यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मैंने दो बार ब्रश को उठाया है और फिर इसको इस तरह से टर्न करेंगे। अब यहाँ तक का स्ट्रोक एक साथ ले सकते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से और फिर ये वाला, इस तरह से ह आपका ज़्यादा अच्छा बनेगा।
डायरेक्ट एक स्ट्रोक में बनाया मैंने, लेकिन आप इसको इस तरह से एक स्ट्रोक और फिर दूसरा इस तरह से भी आप अड़ को बना सकते हैं दो स्ट्रोक में। स्टूडेंट इसके लिए आप ये जो लेटर्स आप ट्राई कर रहे हैं इसके लिए आपको फ्लैट ब्रश की ही ज़रूरत है, और फ्लैट ब्रश की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब ख़राब नहीं होना चाहिए वो ब्रश, एकदम अच्छे से ऐसे स्ट्रोक उसका आना चाहिए। अब एंडिंग में मैं आपको यहाँ पे मात्रा बताती हूँ कैसे आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आपको ट्राई करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा हैंड राइटिंग। ओके बाय स्टूडेंट, टेक केयर।